दोस्तों, सिसिलियन डिफेंस वर्ल्ड की बहुत ही फेमस ओपनिंग जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिसिलियन की सीरीज में बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ड्रैगन वेरिएशन, हाउ टू प्ले अगेंस्ट ड्रैगन। दोस्तों, सिसिलियन के सामने कैसे खेला जाए इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। C5, नाइट F3, D6, D4, C×D4, नाइट × D4, Nf6, Nc3 एंड G6, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। इतने मूव्स के बाद आपको कैसे खेलना है वो आप ध्यान से देखिए, F4 वगैरह, F4 E5। तो ये वीडियो, लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। और आज हम देखेंगे नेस्डॉर्फ प्रॉपर वेरिएशन। तो नेस्डॉर्फ में ज़्यादातर जब नाइट D5 और नाइट C3 होता है उसके बाद मोस्ट पीपल E6 जरूर ही करता है। E6 आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट टू B5 को स्टॉप करने के लिए। और दूसरा आइडिया है देन B5 ब्लैक कैन प्ले अटैकिंग मूव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे E6 के रिप्लाई में। दोस्तों, यहाँ पे दो मेन जो मैं आज बताऊंगा आपको, दोनों तरीके बताऊंगा जो प्रॉपर मेन लाइन है। प्रॉपर मेन लाइन कौन सी है, यहाँ पे व्हाइट को खेलना है बिशप G5, और दूसरी साइड लाइन है। हम साइड लाइन से अटैकिंग अगर खेलना चाहते हैं ज्यादा तो बिशप C4 इज अ गुड। बिशप C4 के सामने ब्लैक खेलेगा E6, क्योंकि जब F7 पे टारगेट होता है तो जनरली ब्लैक E6 करता ही है, और ये नेचुरल और बुक मूव है। तो E6 के बाद ब्लैक का आइडिया है B5। तो यहाँ पे पहले से हमें बिशप टू B3 कर देना है, टेम्पो नहीं देना है और बिशप को सेटल कर देना। अब ब्लैक खेलेगा नाइट BD7, और ये है कास्पारोव की फेवरेट मूव है नाइट BD7। इतने मूव्स के बाद इसके अगेंस्ट बहुत सारी गेम्स मैंने चेक की है, ज़्यादातर सेक्रीफाइस आते हैं। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मूव फाइंड की है वो बिशप टू G5। बिशप G5 के बाद ब्लैक बिशप E7 खेलता है, क्योंकि नाइट को अनपिन करना जरूरी है। बिशप E7 में यहाँ पे एक जबरदस्त सेक्रीफाइस, इसी मूव में ध्यान रखो दोस्तों, एक भी मूव मिस नहीं होए, इसी मूव में आपको सेक्रीफाइस देना है, बिशप सेक्रीफाइस E6। अब देखो वाई ब्लैक को कंपलसरी बिशप लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो वो पॉन डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल मूव है F क्रॉस, और उसके बाद प्रॉपर नाइट E6, फॉर्क आ रहा है क्वीन और नाइट टू G7। F क्रॉस E6 के बाद क्वीन A5, ये सिसिलियन प्लेयर की पैटर्न मूव है। नाइट को पिन करो, बिशप पे अटैक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट क्रॉस G7। अब कंपेंसेशन क्या है, ब्लैक के 4 पॉन, मतलब ब्लैक 3 पॉन डाउन हो चुका है ऑलरेडी, और अब हमारे माइनर पीसेस के बदले एक 3 पॉन इज ओके। तो यहाँ पे हमने बिशप सेक किया है और 3 पॉन मिल गए हैं, तो गेम इक्वल हो गई और अटैकिंग में कंप्लीटली व्हाइट आ गया। तो उसके बाद किंग F7, ये ब्लैक की बेस मूव होगी, क्योंकि नाइट पे अटैक और यहाँ पे बिशप पे भी अटैक। यहाँ आपको खेलना है नाइट F7, और नाइट F7 जो D6 पे थ्रेट देता है, ब्लैक इसे बचा नहीं सकता। अगर बचाने के लिए ब्लैक ने क्वीन C7 किया तो यहाँ पे बेस्ट मूव होगी नाइट टेक्स E7 आफ्टर किंग टेक्स E7, और सिंपल विनिंग गेम बाय नाइट D5 फॉर्क। नाइट पिन है और आपको क्वीन मिल जाती है। तो ये दोस्तों नाइट D7 जो कास्पारोव की पैटर्न मूव है, इसमें आपको ऐसे खेलना है। अब देखो नाइट D7 के बदले दूसरा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन होता है ब्लैक के लिए B5। B5 में भी आपको खेलना है बिशप को G5। ब्लैक खेलेगा बिशप E7, उसके बाद यहाँ पे क्वीन टू F3, यहाँ पे नेक्स्ट थ्रेट है पॉन टू E5, और ये रुक पे अटैक, नाइट फोर्स अंदर आएगा और कम्प्लीटली ब्लैक वाइट के फेवर में गेम आएगी। तो ब्लैक उसे स्टॉप करने के लिए बिशप B7 खेलेगा, और इसी पोजीशन में जब बिशप E6 को सपोर्ट करने से दूर हो जाता है तो यहाँ फिर से आपके पास बिशप E6 सेक्रीफाइस, F क्रॉस E6, देन नाइट क्रॉस E6, क्वीन पे भी अटैक है और G7 पॉन पे भी अटैक है। क्वीन A5 एज रेगुलर मूव, यहाँ पे नाइट G7,
किंग F7, और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा नाइट F5 के बदले बिशप क्रॉस F6। बिशप क्रॉस F6, आफ्टर बिशप क्रॉस F6 उसके बाद नाइट F5, फिर से आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो और लॉन्ग कैसल करने के बाद आराम से वाइट ये गेम जीत सकता है आराम से। चलिए अभी मैं आपको मेन लाइन बताता हूँ, मेन लाइन में आपको कैसे खेलना है। नेस्डॉर्फ का मेन वेरिएशन है बिशप C4 नहीं, मेन वेरिएशन है बिशप G5। अब BG5 के बेस्ट रिप्लाई क्या होता है अगेंस्ट ब्लैक का, E6, ये बेस्ट रिप्लाई है क्योंकि अगर E6 नहीं किया तो बिशप F6 करके हम जो किंग साइड का स्ट्रक्चर है आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो E6 के बाद यहां पे आपको खेलना है F4, F4 बिशप E7 और क्वीन F3। ये दोस्तों जबरदस्त नेस्डॉर्फ अगेंस्ट अटैकिंग लाइन है और ये लाइन से विश्वनाथन आनंद बहुत सारे गेम्स खेल चुके हैं, उसी के ऊपर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वीन F3 और ये सिसिलियन के सामने, नेस्डॉर्फ के सामने ये बहुत ही डेंजर ओपनिंग है, बहुत ही डेंजर अटैकिंग लाइन है। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देता है NBD7। NBD7 के बाद आपको खेलना है लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल का आइडिया पहले से ही है, अगर ब्लैक NBD7 के बदले सपोज क्वीन B6 करता है तब भी आपको लॉन्ग कैसल करना है और इस पॉन को सपोर्ट हो जाएगा, नाइट को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कंप्लीटली आप अटैकिंग में कंटिन्यू गेम खेल सकते हो। तो NBD7 और यहाँ पे आपको खेलना है लॉन्ग कैसल। तो ब्लैक खेलेगा क्वीन C7, ये मेन लाइन है जो किंग साइड अटैक करता है। यहाँ आपको अर्ली अटैक शुरू कर देना है G4। ब्लैक खेलेगा B5, वो भी आपके किंग साइड अटैक करता है। नेस्डॉर्फ में दोनों साइड आमने सामने किंग साइड अटैक होता है। ये स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे सिंपल मूव है बिशप F6। देखो ध्यान रखो कब बिशप से नाइट ले लेना है ये। अब इसमें ब्लैक के पास एक ही बेस्ट चॉइस होती है, जो पहली चॉइस मैं बताता हूँ कि G x F5 में आप तुरंत उसे F5 करके ब्रेक कर सकते हो और किंग साइड टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाइट F6 में सिंपल आप यहाँ पे G5 कर दोगे, उसके बाद नाइट BD7 और उसके बाद F5 और कंप्लीटली आप ब्लैक के किंग साइड डिस्ट्रॉय के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस होती है मोस्ट पीपल बिशप F6 करते हैं। बिशप F6 के बाद ये पोजीशन में जबरदस्त सैक्रिफाइस मूव है बिशप टेक्स B5। अब दोस्तों फोर्स मारना पड़ेगा। फोर्स क्यों मारना पड़ेगा, पॉन डाउन हो जाएगा ब्लैक और एंड गेम में व्हाइट की विनिंग है। तो A x B5 उसके बाद Nd B5, फिर से क्वीन पे अटैक। ज्यादातर पीपल क्वीन B8 खेलते हैं और नाइट टेक्स D6 चेक, किंग F8 और उसके बाद एक ब्रिलियंट मूव है नाइट C8। नाइट C8 के बाद क्वीन C8 फोर्स मूव है और E5, बिशप गोज एनीवेयर देन रुक सैक्रिफाइस, रुक टेक्स D7 आफ्टर क्वीन टेक्स और सिंपल विनिंग द रुक। तो दोस्तों ये है नेस्डॉर्फ के सामने कैसे खेले जाए, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए मूव बाय मूव, आप अपने गेम में इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही मजा आएगा खेलने में। दोस्तों लाइव गेम हर बार की तरह खेलते हैं, D4 D5 कॉलर सिस्टम ही मैं ऑलवेज खेलता हूँ और ये 8-0 की गेम है, मतलब नो इंक्रीमेंट। ये NC6 ये थोड़ा नया मूव है, कोई बात नहीं। E3 हम रेगुलर कॉलर सिस्टम में जाएंगे, बिशप D3 क्वीन टेक्स D3 पहले से करके रखते हैं। हाँ ओके, यहाँ पे नाइट E4 की थ्रेट है, नाइट B5 भी आएगा, नाइट B5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम कैसल कर सकते हैं। ओके E6, अब नाइट B5 आ सकता है तो यहाँ पे हम H3 कर देंगे, नाइट B5 स्टॉप करो और यहाँ पे क्वीन B5 पॉन को सपोर्ट। ओके कोई जरूरत नहीं है क्वीन B5, सिंपल डेवलपमेंट B3 देन बिशप B2 और प्रॉपर कॉलर सिस्टम में। अभी देखो यहाँ पे व्हाइट की जो क्वीन है दोस्तों ये आपके बिशप का काम करती है, नाइट G5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम नाइट को ही डेवलप करेंगे। ओके यहाँ पे पूरा E5 पे कंट्रोल, सिंपल A3 करके एक कंट्रोल कम करेंगे पहले।
नाइट E5 पॉसिबल है, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, तो नाइट E5 उसने स्टॉप कर दिया है हमारा, और यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे C4 से। पॉन पुश में सिंपल पॉन टेक्स पॉन मार लेंगे ताकि नाइट पे अटैक आए। ओके अगेन यहाँ पे नाइट से लेना चाहिए या फिर पॉन से, मेरे हिसाब से पॉन इज गुड, सेंटर बहुत ही जबरदस्त रहेगा। नाइट E5 बिशप टेक्स पॉन टेक्स नाइट टेक्स, अभी भी नाइट E5 पॉसिबल नहीं है, तो इस बिशप को, डेंजर बिशप को पहले हम यहाँ से दूर करेंगे। वो ब्लंडर, सॉरी बच गए, अगर बिशप टेक्स C5 में पॉसिबल था पॉन टेक्स क्वीन टेक्स B2, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बिशप टेक्स C5 में नाइट आता है फोर्क के साथ, करेक्ट, तो गलती से भी अच्छी मूव हो जाती है। चलो यहाँ पे पूरी थ्रेट चली गई है, उसका जो नाइट है वो एक्सरे में पिनिंग भी है, लेकिन इस पोजीशन में क्या करे, नाइट E5 नाइट टेक्स पॉन टेक्स पॉन लॉस हो जाएंगे हम, और वेट करते हैं थोड़ा, यहाँ पे रुक B1, एक एक्सरे सपोर्ट रहता है और अटैक होता है B7 पे। ओके यहाँ पे प्लानिंग है नाइट टेक्स देन नाइट टेक्स और इसे मेट की थ्रेट, तो काउंटर में नाइट इधर नहीं आ सकता, सेंटर हमारा स्ट्रांग है, तो नाइट इंटू बिशप इज गुड। ओके अब हमें सिंपल मेट बचाने के लिए G3 करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट इंटरपोज नहीं हो सकता, तो G3 जब हूँ, नाइट F3 पॉसिबल है, तो उसके बाद नाइट पे अटैक बढ़ता जा रहा है, नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, और नाइट को सपोर्ट एक ही ऑप्शन है हमारे F3, नाइट टेक्स F3 सिंपल क्वीन टेक्स। ये हम कैप्चर कर लेंगे, हमारे लिए ये बढ़िया रहेगा। ओके F4 कर सकते हैं या H5, F4 आई थिंक गुड रहेगा, क्योंकि क्वीन का जो अटैक है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, F4 भी नहीं हो सकता ब्लैक से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल क्वीन E6 पे थ्रेट देते हैं, रुक इधर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, और यहाँ से क्या करना चाहिए, पॉन पुश, रुक H6 में हम H4 कर देंगे, और एक मूव ये भी है, रुक F2 इज गुड, ताकि कभी भी यहाँ पे साइड से क्वीन इधर आएगी, रुक टेक्स पॉन की थ्रेट रहेगी, क्वीन एक्सचेंज करते हैं तो कैसा रहेगा, 7 पॉन वर्सेस 7 पॉन, और रुक टेक्स पॉन अगर लेने देते हैं तो हम क्वीन टेक्स E6 चेक दे सकते हैं। ओके यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, पॉन पुश, रुक टेक्स पॉन में मेट नहीं आ रही है, सेंटर लेना है या फिर इसे सपोर्ट दे दें, या फिर क्वीन एक्सचेंज कर लो, क्वीन एक्सचेंज इज गुड, क्योंकि अपोनेंट के पास ज्यादा कोई इतना स्ट्रांग मूव है नहीं इधर, रुक टेक्स पॉन, ओके क्वीन टेक्स क्वीन
एक पॉन डाउन है किंग साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करेंगे, पॉन पुश, पॉन टेक्स पॉन। ओके, उससे रूप यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूप सेवन पे आता है, बिशप से हम एक्सचेंज कर देते हैं। चलिए, क्योंकि सेवंथ रैंक हमारे हाथ में कंट्रोल में है। मीटिंग करेंगे, ओके ये मुझे पता था, इसलिए मैंने वेटिंग किया यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल लेट हिम कैप्चर, ओके थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा। 2 मिनट है दोस्तों, थोड़ा हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा टाइम का। चेक आ सकता है, ये अच्छी मूव है, टेक्स अच्छा नहीं है। हालांकि ब्लैक के दोनों रुख इनएक्टिव है, कोई एक्टिव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर पॉन टेक्स आप देख सकते हो कंप्लीटली ओपन फाइल हमारे हाथ में है। कंपेंसेशन जब पॉन का था वो तो हमें मिल गया दोस्तों आराम से, एक पॉन हमने सेक किया था वो पॉन वापस मिलता है, पोजीशन देखनी जरूरी है। ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, ये इस रूप को हम पूरा ब्लॉक कर देते हैं। इनएक्टिव कंप्लीटली, यहाँ पे रुक इधर कॉन्टेक्स रुक टेक्स रुक चेक और रुक चेक, ये बढ़िया मूव है सैक्रिफाइस है। ठीक है, ब्लंडर भी था, रुक टेक्स कौन है ना, कॉन्टेक्स्ट लुक तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉन डाउन से पॉन अप हो गए हैं, लेकिन टाइम थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और रुक से इसे ओ फोर्क आ रहा है, तो सिंपल रुक इधर फोर्क कंट्रोल करो, सिंपली इधर पास पॉन हो रहा है। अब हमारा कंप्लीट फोकस चेक, ओके यहां से हम चेक देंगे, एक और पॉन मिल जाएगा। चलो दो दो पॉन अप हो गए हैं, फिर से चेक और यहाँ पॉन पुश, अगेन चेक, आई थिंक मेट आनी है तो चेक और बिशप चेक, कंप्लीट रुक प्लस।
जीरो इंक्रीमेंट में देखो कितने फटाफट मूव मिल रहे, मेट की पोजीशन है, रुक टेक्स पॉन, शायद से यहाँ पे ब्लैक को रिजाइन ही करना पड़े। कोई अनऑर्थोडॉक्स गेम खेलता है तो हम ऐसे कंट्रोल करके गेम खेल सकते हैं। नाइट से सिक्स देखो रिजाइन कर दिया। हालांकि इस गेम में ये हमारी कॉलेज सिस्टम के स्ट्रक्चर के अपोज खेल रहा है ब्लैक, तो उसे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। एन से सिक्स ये गलत मूव होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा सिसिलियन के सामने कैसे खेला जाए, और भी बहुत सारे वेरिएशन है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके रखें, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।